हेलो गाइस, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट किया जाए, और कुछ लोगों ने बताया कि थर्मोडाइनमिक्स को स्टार्ट किया जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले हैं, तो हम इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक ये फ्लूड मैकेनिक्स से दो तीन लेक्चर और बचे हुए हैं, तो वो कंप्लीट करके अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। आज हम फ्लूड मैकेनिक्स के क्वेश्चन हम 431 से 445 डिस्कस करेंगे, और इसमें 500 समथिंग क्वेश्चंस हैं। तो ये दो तीन लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके गाइस, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 431। क्वेश्चन नंबर 431 में पूछा है, ड्रैग इज डिफाइंड एज द फोर्स कंपोनेंट एग्जर्टेड ऑन एन इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, द कंपोनेंट एक्टिंग इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो या पैरेलल टू द फ्लो या रिजल्टेंट एंगल एट रेडियल टू द फ्लो डायरेक्शन। तो ड्रैग फोर्स के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। ड्रैग फोर्स जो होता है या फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है। किस तरीके से देखते हैं तो किस डायरेक्शन में लगता है वो उसके बारे में पूछा गया है। फोर्सेज ऑन ए सबमर्ज्ड बॉडी, सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक लिफ्ट फोर्स लगता है और एक लगता है हमारा ड्रैग फोर्स। तो व्हेन एवर ए फ्लोइंग फ्लूड कम्स इंटू कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब फ्लोइंग फ्लूड एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या होता है, फोर्स इज एक्टेड अपॉन द बॉडी। तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है बाय द फ्लोइंग फ्लूड, किसके द्वारा, फ्लोइंग फ्लूड, जो फ्लूड हमारा फ्लो कर रहा है उसके कारण एक फोर्स एक्ट करता है। द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मोशन ऑफ द फ्लूड इज नॉन एज ड्रैग फोर्स। तो जो कंपोनेंट होता है वो फोर्स, जब हमारे स्टेशनरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है फ्लोइंग फ्लूड के कारण, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट लगता है हमारा फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मोशन ऑफ द फ्लूड, जो फ्लूड की मोशन है उस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। तो डायरेक्शन पैरेलल टू द मोशन ऑफ द फ्लूड, फ्लूड की मोशन के पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द फ्लूड, और जो फ्लूड की मोशन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे ये हमारी एक स्टेशनरी बॉडी है, ये हमारी क्या है, फ्लो की डायरेक्शन है, फ्लो की वेलोसिटी है। तो इस डायरेक्शन में, इसके पैरेलल डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स लग रहा है वो हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा ड्रैग फोर्स है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये लिफ्ट फोर्स होता है। और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एफ एल स्क्वायर प्लस में एफ टी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक एलिमेंट लिया है अपन ने, डी ए एरिया है, तो इसका जो प्रेशर फोर्स लगेगा पी इंटू में डी ए हो जाएगा, और ये शियर स्ट्रेस हो जाएगी टाउ इंटू डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स हमारा क्या है, पी इंटू में डी ए कॉस थीटा, इसके जो कंपोनेंट है कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये पी डी ए लग रहा है फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा पी इंटू में डी ए कॉस थीटा, ये किस डायरेक्शन में हो गया, ड्रैग की डायरेक्शन में, एफ डी के बराबर ये हो गया, और पी डी ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये टाउ डी ए साइन थीटा, ये विस्कस और स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है, ये विस्कस ड्रैग बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन ड्रैग भी बोलते हैं, और ये हमारा क्या है, प्रेशर ड्रैग है। ठीक है, इन दोनों को का जो टोटल होता है, समीशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ड्रैग फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आता है, 1/2 सी डी इंटू में रो इंटू में ए इंटू में यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। यू हमारी क्या है, वेलोसिटी है, और ए क्या है, सरफेस एरिया, ए इज़ द लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड एरिया है। तो ये हमारा क्या आता है, फ्रिक्शन ड्रैग आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ड्रैग फोर्स के बारे में पूछा, ये क्या होता है, पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन के पैरेलल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 432, इसमें पूछा है, प्रेशर ड्रैग एज पर बाउंड्री लेयर थ्योरी इज अ फंक्शन ऑफ, तो प्रेशर ड्रैग हमारा क्या है, ये है, ये यहाँ पे प्रेशर ड्रैग है डी ए इंटू में कॉस थीटा। तो प्रेशर ड्रैग हमारा किसका फंक्शन हो, यहाँ से अपन देखें, ये ए हमारा यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया और जो फ्लो सेपरेशन होता है वो हमारा कहाँ होता है, जब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट होता है तब फ्लो सेपरेशन होता है। तो जब प्रेशर ड्रैग हमारा किसका फंक्शन होता है, शेप ऑफ द बॉडी, यहाँ पे एरिया आ रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पे शेप पे डिपेंड कर रहा है, और सेपरेशन ऑफ फ्लो, सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होता है, जब प्रेशर ग्रेडियंट हमारा क्या करेगा, चेंज होता है। प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होता है, एडवर्स होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो वो हमारा वहाँ पे क्या होता है, बाउंड्री सेपरेशन होता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द बॉडी एंड सेपरेशन ऑफ द फ्लो।
तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 433, प्रोफाइल ड्रैग इज इक्वल टू, प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है हमारा, यही एफ डी जो है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोफाइल ड्रैग कहलाता है। ये टोटल ड्रैग फोर्स जो होता है वो प्रोफाइल ड्रैग कहलाता है। तो ये किससे समीशन होता है दोनों का, प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग दोनों का समीशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 434, इसमें पूछा है ब्लफ बॉडी इज द बॉडी ऑफ सच अ शेप दैट प्रेशर ड्रैग एज कंपेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग। ब्लफ बॉडी क्या होती है उसके बारे में पूछा गया, उसमें जो फ्रिक्शन ड्रैग है और प्रेशर ड्रैग है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब फ्रिक्शन ड्रैग ज़्यादा होता है या प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होता है वो पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी और ब्लफ बॉडी दोनों देख लेते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है, ए स्ट्रीम लाइन बॉडी इज डिफाइंड एज दैट बॉडी हुज सरफेस इज अलाइंड विद द स्ट्रीम लाइन, जिसकी सरफेस क्या होती है स्ट्रीम लाइन्स के साथ अलाइंड होती है। व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड इन द फ्लो, जब बॉडी को हम किसी फ्लो में क्या करते हैं प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर जो फ्लो की स्ट्रीम लाइन्स हैं, क्योंकि फ्लो हमारा कहाँ करता है स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है, तो फ्लो की जो स्ट्रीम लाइन्स हैं उसके साथ अलाइन करती है किसकी सरफेस, उस बॉडी की सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो द द बॉडी ऑफर्स लीस्ट रजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ड्रैग्स, इसलिए जो बॉडी होती है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है किसके टर्म में, प्रेशर ड्रैग के टर्म में, मतलब प्रेशर ड्रैग हमारा क्या होता है कम होता है किस में, स्ट्रीम लाइन बॉडी में। मोस्ट ऑफ द ड्रैग एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज ड्यू टू विस्कस और फ्रिक्शनल ड्रैग, ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके द्वारा आता है हमारा, जो ड्रैग हमारा ड्रैग फोर्स आ रहा है वो किसके कारण आता है हमारा, फ्रिक्शनल ड्रैग के कारण या विस्कस ड्रैग के कारण। विच डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द फ्लूड, जो किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख फ्रिक्शन ड्रैग सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इन दिस केस द सेपरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस एट अ ट्रेलिंग एज, इस केस में क्या होता है स्टीम लाइन बॉडी में के केस में क्या होता है सेपरेशन हमारा कहाँ होता है, ट्रेलिंग एज पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रख लेना। अब ब्लफ बॉडी, ब्लफ बॉडी हमारी क्या होती है, ब्लफ बॉडी क्या होती है हमारी, ए ब्लफ बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी हुज सरफेस इज नॉट अलाइंड विद द स्टीम लाइन्स व्हेन प्लेस्ड इन द फ्लो, जब अपन किसी बॉडी को प्लेस करते हैं फ्लो में तो वो इसकी सरफेस स्टीम लाइंस के साथ क्या करती है अलाइन नहीं करती है, तो इस प्रकार की बॉडी को हम क्या कहते हैं ब्लफ बॉडी कहते हैं। दस द बॉडी ऑफर्स लेसर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ विस्कस और फ्रिक्शनल ड्रैग, तो इस केस में जो बॉडी होती है वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है किस तरीके से, फ्रिक्शनल ड्रैग के रूप में कम रेजिस्टेंस आता है और प्रेशर ड्रैग के रूप में ज़्यादा ड्रैग आता है। देयर इज वेरी लार्ज प्रेशर ड्रैग, और प्रेशर ड्रैग हमारा क्या होता है ज़्यादा होता है ड्यू टू एडी फॉर्मेशन आफ्टर द बॉडी लीडिंग टू द लार्ज वेक रीजन, तो एडी फॉर्मेशन होता है जिसके कारण हमारा प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होता है, जैसे ये हमारी बॉडी है इस तरीके से यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है यहाँ पे ये वेक रीजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे वेक रीजन बनने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा प्रेशर ड्रैग ज़्यादा बन जाता है, इस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है, तो ये हमारा क्या है ब्लफ बॉडी कहलाती है। तो इसमें और क्या होता है, दस द प्रेशर ड्रैग डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी रेदर देन सरफेस एरिया एक्सपोज, तो प्रेशर ड्रैग हमारा किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया पर क्या डिपेंड करता है हमारा, विस्कस ड्रैग और फ्रिक्शनल ड्रैग। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है हमारी ये बॉडी है, ये इस तरीके की अगर बॉडी है वो हमारी क्या कहलाएगी स्ट्रीम लाइन बॉडी, फ्लो फॉलो द बॉडी कॉन्टूर, बॉडी कॉन्टूर को फॉलो करती है, मतलब स्ट्रीम लाइन बॉडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर ड्रैग हमारा क्या है कम है, और यहाँ पे क्या है शियर और विस्कस ड्रैग क्या है ज़्यादा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, और इसमें क्या है शियर और विस्कस ड्रैग क्या है बहुत कम है, प्रेशर ड्रैग क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, टोटल ड्रैग ये होता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है ब्लफ बॉडी, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड, इसलिए इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, और ये क्या है सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब समझ में आ गया होगा आपको आई होप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लफ बॉडी में हमारा क्या होता है जो फ्रिक्शन ड्रैग होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेशर ड्रैग, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 435, इसमें पूछ रहा है ए बॉडी इज सेट टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग व्हेन
तो बॉडी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीमलाइन, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाएगी। तो ये अपन ने देखा अभी, स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या होता है, प्रेशर ड्रैग कम होता है और फ्रिक्शन ड्रैग ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन ड्रैग इज़ मिनिमम, ये गलत हो गया, प्रेशर ड्रैग इज़ मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ड्रैग क्या होगा इसमें, मिनिमम होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहलाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 436। द फ्लो ऑफ एनी फ्लूड रियल और आइडियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये अपन क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड लास्ट लेक्चर्स में। तो इसका क्या होता है, किसको फॉलो करता है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स फॉर केसेज इन्वॉल्विंग। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एक जिगजग मौसम में होता है और फ्लूड के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती रहती है। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होने के कारण जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण हमारी जो स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो भी हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन में, वेरी स्लो मोशन में, गलत है ये। वेरी विस्कस फ्लूड्स, ये भी गलत है। वेरी नैरो पैसेज, ये भी गलत है हमारा। इसमें प्रेशर ग्रेडियंट जहाँ पे ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या है, गलत, सही है, नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 438। इन टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, द शियर स्ट्रेस आर जनरली लार्जर देन इन अ लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो की तुलना में शियर स्ट्रेस किसमें, टर्बुलेंट फ्लो में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है, चेंज हो रहती रहती है। जैसे हम देखें ये क्या होता है, डी यू ओवर डी वाई, ये टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो म्यू डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। तो इस तरीके से हमारा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये लेयर है, इनमें क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती रहती है, मतलब वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण स्ट्रेस भी हमारी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 439। इन अ लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो कैसा होता है देखते हैं। ये इस तरीके से, ये लेमिनार है, फर्स्ट स्ट्रीम लाइन है, सेकेंड है, थर्ड है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है ये, टाउ इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो इज अ फ्लो इन थिन सीट्स और लेयर्स ऑफ लेमिना। जो लेमिनार फ्लो होता है वो किसमें होता है, थिन सीट्स में, इस तरीके से, और लेमिना में होता है। इट इज़ अ स्मूथ एंड ऑर्डर फ्लो इन विच देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक और बल्क मिक्सिंग बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूड लेयर्स। लेमिनार फ्लो अकर्स एट लो वेलोसिटी। जो लेमिनार फ्लो होता है वो कहाँ पे होता है, लो वेलोसिटीज में होता है। इन लेमिनार फ्लो विस्कस शियर स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करती हैं। दीज शियर स्ट्रेसेस रिजल्ट्स इन डेवलपिंग द रेजिस्टेंस टू फ्लो। फॉर ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, द प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। ये जो रेजिस्टेंस हमारा आता है, शियर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उसको ओवर करने के लिए जो प्रेशर होता है वो हमारा क्या करता है, ड्रॉप होता रहता है सेक्शन टू सेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सो दैट द प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन द लेमिनार फ्लो। इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है लेमिनार फ्लो में। तो ये लेमिनार फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइन्स में फ्लो करता है, इसलिए ये क्या करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, इसमें न्यूटन लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, 440। कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक्स द फॉर्म। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मास पर वर्क करती है उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। दस फॉर ए फ्लूड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ऑल द क्रॉस सेक्शन द क्वांटिटी ऑफ द फ्लूड पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट। जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ से फ्लो डायरेक्शन है, एक सेक्शन लिया, दूसरा सेक्शन लिया, दोनों सेक्शन पर अपन देखेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड है, फ्लूड की जो क्वांटिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। द रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन वन, ये क्या है, रो वन ए वन वी वन, और रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन टू टू क्या है, रो टू ए टू वी टू। ठीक है,
तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन वन और टू क्या है, सेम है, तो रो से वन से रो डेंसिटी सेम है हमारी, ठीक है, तो डेंसिटी सेम है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 441, देखते द कंटिन्यूटी इक्वेशन रिक्वायर दैट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बी सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट, गलत, रिलेट्स द मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम फॉर टू पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रीम लाइन, किससे रिलेटेड होता है, मास फ्लो रेट से, तो रिलेट्स मास रेट ऑफ फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, मास फ्लो रेट पर डिपेंड करता है, मास फ्लो रेट हमारी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है एट सेक्शन वन एंड टू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन एनर्जी और वर्क, ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा, ये किस पर, कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 42, कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स किसको रिलेट करती है, ये मास फ्लो रेट अलोंग स्ट्रीम लाइन, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। 443, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूड फ्लो, तो ये भी हमारी क्या है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, स्टेट दैट एनर्जी कॉन्स्टेंट अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, मास कॉन्स्टेंट रहता है, स्टेट दैट एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर इन द लिक्विड, ये भी गलत है, कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है, अप्लाइड टू इरोटेशनल फ्लो ओनली, ये गलत है, इरोटेशनल के लिए अप्लाई नहीं होती है, स्टेट दैट द नेट रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी जीरो, मतलब कॉन्स्ट सेक्शन पर और सेकेंड सेक्शन पर अगर देखा जाएगा तो वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जैसे रो वन ए वन बी वन माइनस रो टू ए टू बी टू, तो ये नेट रेट ऑफ फ्लो हो गया, इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होता है, इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 445, हेड लॉस इन अ टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, तो हेड लॉस देखते हैं क्या होता है, हेड लॉस ये पी वन माइनस पी टू हमारा किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इंटू एच एफ, ये स्पेसिफिक वेट है, रो इंटू जी, और ये क्या है, एच एफ फ्रिक्शनल हेड लॉस है, तो ये डेल्टा पी हमारा जो निकल के आता है वो क्या आता है, 32 म्यू इंटू वी एल अपन में डी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी अगर निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 32 म्यू वी एल अपन में डी स्क्वायर, यहाँ से एच एफ निकालेंगे तो एच एफ क्या आ जाता है हमारा, 32 म्यू वी एल अपन में रो जी डी स्क्वायर, तो ये क्या है, लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए एच एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बार, वी बार इज द मीन वेलोसिटी, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, तो 64 अपॉन रो भी डी अपॉन में म्यू, और ये क्या हो जाएगा, एल भी स्क्वायर अपॉन में 2 GD, ठीक है, तो इसकी जगह क्या है, ये रेनॉल्ड नंबर है, तो यहाँ पर 64 अपॉन में आर ई लिख दिया, ये डार्सी इक्वेशन बन गई हमारी, एफ एल भी स्क्वायर अपॉन में 2 GD, तो लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है, जो फ्रिक्शन कॉफिशियंट होता है 64 अपॉन आर ई रहता है, तो इक्वेशन नंबर 15 से जो लेमिनार फ्लो के लिए एच एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बार, और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, एच एफ वी बार स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो एच एफ यहाँ पे क्या है, ये है एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बार स्क्वायर, मीन वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसमें 445 में भी यही पूछा है, लॉसेज इन ओपन चैनल वेरी एज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी भी का स्क्वायर, ओपन चैनल में अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।